दो महीनों से मैंने काफ़ी कम वीडियोस पोस्ट करे हैं पूरा फेस्टिवल सीजन भी निकल गया मैंने कोई मेकअप ट्यूटोरियल्स पोस्ट नहीं करे और इवन ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स भी मैंने कोई पिक्चर्स पोस्ट नहीं करे सो द रीज़न बीइंग बिकॉज आई वाज एक्चुअली फीलिंग वेरी लेजी टू डू एनी लाइक मेंटली इमोशनली एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड मुझे बहुत सारे इवेंट्स भी अटेंड करने थे लाइक like, अंदर से मन कर रहा था कि कुछ भी ना करूँ लेकिन टाइम और सिचुएशन ऐसी क्लैश हुई कि मतलब उसी टाइम पे मुझे ये, ये लाइक नाइकलैंड इवेंट का भी मौका मिला कि हाँ वहाँ पे भी आप अटेंड कर सकते हो एंड आई गॉट टू अटेंड फ्यू यू नो अदर मोर इवेंट्स एज़ वेल सो उस टाइम पीरियड पे मैंने अपना मेकअप कैसे करा जब मुझे बहुत सारे मेकअप स्टेप फॉलो नहीं करने थे हाउ आई डिड माय मेकअप दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू और उस मेकअप को करने के बाद बिकॉज़ जब आप घर से बाहर निकलते हो मेकअप लगा के That time, आप मेकअप को टेस्ट भी कर पाते हो कि कितना वो लास्ट कर रहा है कौन सा स्टेप या कौन सा प्रोडक्ट आपका कैसा वर्क कर रहा है सो so, मैंने ये रियलाइज करा कि यार बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जिनकी एक्चुअली में मुझे अभी जरूरत नहीं है या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं ऐसे ही किए जा रही थी इनका मतलब अगर मैं नहीं भी करूँ ना तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है तो so, मैंने अभी मेकअप रूटीन जो सिंप्लीफाई करा है इट्स अ वेरी मिनिमल मेकअप रूटीन बट या देट इज वट इज वर्किंग फॉर मी राइट नाउ जिसमें मैं आपको बताती जाऊँगी कि अभी कौन से कौन से प्रोडक्ट हैं जो रिसेंटली मैंने यूज नहीं करे इट्स ऑल अबाउट द रीसेंट रिसेंट टाइम पिछले दो महीनों में जो भी मैंने जिस तरह से भी मेकअप ट्राई करा है और दैट इज व्हाट आई विल बी शेयरिंग विद यू तो अगर आप कभी मेहनत ज्यादा करने का मन ना करे मेकअप करते समय की झटपट ईजी जल्दी मेकअप हो जाए सो यू कैन जस्ट फॉलो अलॉन्ग विद मी इस ट्यूटोरियल को आप अच्छे से देख लेना वीडियो को सेव भी कर सकते हो एंड इट्स अ वेरी मिनिमल प्लस ये वाला जो मेकअप लुक है मैं इसमें थोड़ा सा से, से

I like to use a makeup fixer or a makeup setting spray or a facial mist will also work. कोई भी dewy finish वाला product मैं use कर लेती हूँ So currently today I'm applying NYX dewy finish makeup setting spray. इसको थोड़ा सा time लगता है like 30-40 seconds to set into the skin. उसके लिए हल्की सी tapping कर लो To to प्रफर कर रही हूँ you know, और कुछ दिन पहले एक था, तो मैंने के ब्यूटी का यह फाउंडेशन अप्लाई करा विच इज एक्चुअली वेरी हाइड रेटिंग द ओनली रीजन मुझे ये पहले पसंद नहीं आया था बिकॉज इसकी कवरेज ज्यादा नहीं है एंड इट डेल्प मी टू कवर माई पिगमेंटेशन बट आई रिसेलाइज लाइक इट ड बोथर मी एनी मोर मुझे अपना मेकअप नेचुरल और लाइट वेट रखना ज्यादा पसंद है रेदर देन हैविंग लेयर्स लेयर्स एंड ऑन माई स्किन टू कवर द पिगमेंटेशन सो दैट्स वाई दिस इज वट आई विल विकमेंड

So that's why main apne store गई थी। और वहाँ पे मैंने उनका जो 15 मिनट का फ्री कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप सर्विस होता है वो लिया था जिसमें आप कोई भी एक सर्विस ले सकते हो या बेस करवा सकते हो या स्मोक आई या लिप्स या कॉन्ट्रोल एनी वन थिंग सो आई वॉन्टेड टू नो माई राइट फाउंडेशन शेड तो मैंने उनको बोला मेरा बेस ही कर दू एंड लेडी यूज दिस काइंड ऑफ फ्लैट ब्रश सो मैंने अपने फाउंडेशन शेड चेक

करती हूँ आजकल कर या तो मैं ज्यादातर लिक्विड ब्लश यूज करती हूँ या फिर क्रीम ब्लशेज के ब्यूटी के जो नए ब्लश आए हैं उनका भी स्टे बहुत अच्छा है फॉर्मुलेशन बहुत बढ़िया है तो वो मेरे कुछ रिसेंट फेवरेट में से है और एक और मेरा रिसेंट फेवरेट ब्लश है फ्रॉम किया किस्मेटिक ये है ब्लश शेड टर्किश डिलाइट इसको मैंने टेस्ट करा था रिसेंटली और ये मेरे चेहरे के ऊपर 10 घंटे से भी ज्यादा तक टिका रहा है सो आई विल हाईली रिकमेंड आपको ये ब्रांड जरूर चेक करना चाहिए स्पेशली देयर दिस ब्लश इज टू गुड सो आई जस्ट पुट टू थ्री डॉट्स ऑन हाई पार्ट ऑफ माई को ब्लेंड करने के लिए आई प्रेफर यूजिंग दिस काइंड ऑफ फ्लफी ब्रश इससे कलर जो है बहुत इजीली ब्लेंड होता है अगला स्टेप है कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करने का जिसमें से सेट कर लेती हूँ so तो ना दे। इसके बाद अगले स्टेप मैं आईब्रो फिलिंग के लिए लॉरल पैरिस ब्राउन आर्टिस्ट जीनियस किट मैं यूज कर रही हूँ ये करंटली आउट ऑफ स्टॉक है बट द सेम प्रोडक्ट इज अवेलेबल नाउ इन फॉर्म ऑफ अ ब्राउ पेंसिल तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो नेक्स्ट है आई मेकअप आई मेकअप में आजकल मुझे सॉफ्ट ब्राउन लाइट ब्राउन पीच न्यूट शेड या फिर वाइन और बरगंडी के शेड्स सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं और मैं इन्हीं कैटेगरीज के आई शेड्स यूज करके अपना आई मेकअप कर रही हूँ इवन फॉर द करवा चौथ दिवाली पार्टी के लिए भी एंड फॉर द इवेंट्स ऑल्सो या तो मैंने मेकअप ब्राउन टोन में रखा था या फिर वाइन और ब्रगन्दी के साथ थोड़ा पिंक मिक्स करके वो वाले शेड यूज किए थे सो so, इसके लिए जो आई शेडो पैलेट मैं यूज कर रही हूँ उसमें हुडा ब्यूटी का नॉट ई न्यूड आई शेडो पैलेट मैंने यूज़ करा है स्मेश uh, बॉक्स का आई शेडो पैलेट समटाइम मैंने बीच में स्विस ब्यूटी भी यूज करा है अभी रिसेंटली ये मार्स का ब्लूमिंग ऑर्किड आई शेडो पैलेट है मेरे पास इसके शेड भी काफ़ी सुंदर है सो आज इसी के साथ आपको एक आसान सा बस ये शेड मुझे अच्छे से टैप करते हुए अप्लाई कर लेना है और अभी आप देख रहे हो मैंने कुछ हेवी बेस नहीं लगाया आंखों के ऊपर कोई आई प्राइमर नहीं लगाया स्टिल दिस ब्राउन आई शेडो हैज सच अ ब्यूटिफुल पिगमेंट Then यहाँ पे इनर कॉर्नर के लिए मैं लाइट शेड ले रही हूँ और उसको भी ब्लेंड करते हुए बाहर की तरफ ब्राउन के साथ मैंने मिक्स कर दिया है तो ये दो शेड मैंने मिक्स करें आप सिंगल एक शेड के साथ भी आई मेकअप कर सकते हो सिर्फ ब्राउन के ऊपर भी शिमर ऐड कर सकते हो इट्स टोटली ऑप्शनल हाउ यू क्रिएट द वेडिंग गेस्ट आई लुक

मिक्स करती हूँ जैसे मार्क्स कॉस्मेटिक का ट्रबल ट्रबल मस्कारा एंड स्टेज uh, का ऑल आईज ऑन यू मस्कारा ये दोनों ही मुझे आजकल अच्छा काफी अच्छे लग रहे हैं काफी लंबे टाइम से मैं इन दोनों का ये कॉम्बो यूज कर रही हूँ एंड लिपस्टिक के लिए मेरा करंट फेवरेट है लॉरेल का वर्थ इट मीडियम शेड cuz तो ये पिंक ब्राउन हर आउटफिट के साथ चला जाता है और रिसेंटली मैंने मास का ये ड्रिप लिप मिस्ट भी ट्राई करा तो इसका भी शेड मुझे अच्छा लगा इट्स लाइक अ लेकिन हल्का सा ग्लॉसी इफेक्ट है दोनों को मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं और ये है मेरा फाइनल लुक मेरा सिंपल स्टेप लेजी गर्ल मेकअप लुक आपको कैसा लगा क्या इस साल वेडिंग फंक्शंस के लिए आप ये मेकअप ट्राई करोगे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लव यू ऑल बाय